खुल के बुला कर थोड़े ना। एक पति और पत्नी थे, वो की क्या बात है, पति पत्नी नहीं हो सकते क्या? एक पति और पत्नी थे और अपने पूरे परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। जो पति थे वो एक ऑफिस में क्लर्क थे। एक दिन पतिदेव घर आते हैं हारे थके हुए, पत्नी से कहते हैं कि खाना दीजिएगा। पत्नी ने बड़े प्यार से खाना बनाया था, खाने की थाली परोस दी। जैसे ही पहला निवाला लिया उसने थाली फेंक कर मारी। कहता ये कैसा खाना बनाया है, नमक ज्यादा मिर्ची ज्यादा, और मिर्ची सेठ से मिर्ची लेकर आती हो क्या? सुबह से शाम तक घर में रहती हो, एक खाना बनाने का काम है तुम्हारा, ये तुम ठीक से नहीं बना सकती। मैं हर थका ऑफिस से आया हूं, एक खाना खिलाती हो तुम मुझे, वो भी ठीक से नहीं बना सकती तुम। पत्नी बेचारी बड़ी उदास हुई, कहा बाबू बाबू चिंता मत करो, कल मैं पूरा प्रयास करूंगी, कल अच्छा खाना बना कर दूंगी। बाबू बाबू चिंता मत। अगले दिन फिर पति ऑफिस से आता है, उस दिन पत्नी ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया और खाना परोस देती है। उसने जैसे ही पहला निवाला लिया उसने थाली उठाई और यूं फेंक के मारी थाली। अब पत्नी को गुस्सा आ गया कि बाबू ये क्या किया तुमने, मैंने पिताजी को खाना खिलाया था, उन्होंने बड़ी तारीफ करी बाबू, मैंने माता जी को खाना खिलाया उन्होंने बहुत तारीफ की, एक तो पड़ोसी भी मुंह मार गया उसने भी तारीफ करी, बच्चों को खिलाया उन्होंने तारीफ की, और मैंने खुद खा के देखा खाना बहुत स्वादिष्ट बना हुआ है बाबू, आज थाली को फेंक कर मारी तुमने। अब वो कहता है कि खाना तो बहुत बढ़िया था, स्वादिष्ट था, पर मैंने थाली इसलिए फेंक कर मारी कि कल तूने ऐसा खाना क्यों नहीं बनाया था। हमें कितना अजीब लग रहा है ना कि इस बात पर थाली फेंक कर मार दी। शायद हम सभी लोग यही काम कर रहे हैं रोज। कल जो हमारे साथ में घटना घटित हो गई, कल जो हमारे साथ बुरा हो गया, कल जो नेगेटिव रिजल्ट आ गया, कल कुछ और दिक्कत हो गई, उसको सोच सोच कर आज जो हमारे सामने स्वादिष्ट खाने की थाली रखी हुई है इसको हम फेंक रहे हैं माय डियर, उस कल की चोट। हमने हमसे वही काम हम डेली यहाँ पर कर रहे हैं, ना तो वर्तमान में जीत रहे हैं, या तो पीछे की चिंता है या आगे की चिंता है, आज जो सामने थाली रखी हुई है उसे फेंक कर मार रहे हैं। बाबू आप भी शायद यही कर रहे हैं। आज पुराना टैक्सेशन पुरानी थाली बन चुका है, 1 जुलाई 2017 से पुरानी थाली खत्म हो जाएगी, नई जीएसटी की थाली नए नए पकवान लेकर आ जाएगी। पुरानी थाली के चक्कर में इस नई थाली को फेंक कर मत मार देना। आज खाना जैसा भी है गंदा है बेकार है, लेकिन कल खाना बहुत अच्छा मिलने वाला है, इसलिए उस खाने को बड़े तरीके से खाना खिलाना और अच्छे से पकड़ के चलना। थैंक यू सो मच।